ओमिया ब्रांड बन चुका है, शायद आप भी मेरे साथ सहमत हो गए। पर इस बार भी शायद शाओमी बहुत बड़ी गलती करने वाला है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, शाओमी की तरफ से आप जानते हो 10th December को चाइना में लॉन्च होने वाला है रेडमी K20 का सक्सेसर रेडमी K30। अब इस फोन में आपको बहुत अच्छी चीजें मिल जाएगा, पर वो जो मैंने कहा गलती करने वाला है शायद, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसा गलती इस फोन के साथ शाओमी करने वाला है। साइड बाय साइड रियलमी की तरफ से भी आ रहा है आपके पास 17th December को इंडिया में रियलमी XT 730G। अब इन दोनों फोन का प्राइस लगभग सेम होने वाला है, और इस प्राइस रेंज में आपको कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों फोन का कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाला है। और शाओमी का वो गलती अगर इस बार भी शाओमी करता है तो शायद पीछे आ जाएगा शाओमी फिर से। तो चलून करबो ना आर देरी, शुरू करी तारातारी। शाओमी जब लॉन्च किया था रेडमी K20, अब वो फोन तो मैंने भी लिया था, मेरे चैनल पे हर एक वीडियो आपको उसके बारे में मिल जाएगा। मुझे उतना खास नहीं लगा था, बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि शाओमी का जो रेडमी K20 है उसका प्राइस शायद 17,000 या 18,000 में आ सकता है। अब ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि शाओमी ने एक बार बहुत बड़ी गलती कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस लगभग 22,000 हो चुका था, और अब आपको वो 20,000 में मिल रहा है। 730G था उस फोन में। अभी उस फोन में तो गलती किया था शाओमी, पर इस बार भी शायद रेडमी K30 जो लॉन्च होने वाला है उसके साथ भी सेम कुछ गलती करने वाला है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अब देखिए, जब रियलमी XT आया था तब रियलमी XT के साथ रेडमी नोट 8 प्रो का एक बहुत ही कड़ी टक्कर हुआ था, और इस बार भी कड़ी टक्कर होने वाला है रेडमी K30 के साथ रियलमी XT 730G का। अगर मैं आपको प्राइस के बारे में बताऊं, दोनों फोन का प्राइस लगभग सेम होने वाला है। अब यह तो तय है, शाओमी एक बार नहीं 100 बार सोचेगा रेडमी K30 का जो प्राइस वो कैसा रखा जाए, क्योंकि मुझे जितना लगता है इसका प्राइस होना चाहिए 17,000 से 18,000 के अंदर रेडमी K30 का। और रियलमी XT 730G इसका भी प्राइस आपको लगभग 17,000 से 18,000 के बीच में ही देखने को मिल जाएगा। तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। चलिए यहां पे शाओमी क्या गलती करने वाला है रेडमी K30 के साथ, वो इसका डिस्प्ले। अब इस फोन में आपको बहुत ही एक बड़ा 6.6 इंच के आसपास एक डिस्प्ले मिलता है, काफी बढ़िया है। इसमें आपको एक वाटर ड्रॉप तो नहीं पर पंचोल डिस्प्ले मिलता है राइट साइड में, अच्छा है। 2 कैमरास मिलता है वो भी अच्छा है, पर कहीं ना कहीं इस बार शाओमी गलती कर रहा है, क्योंकि इस बार आपको एक IPS LCD डिस्प्ले मिल रहा है रेडमी K30 में, जो मैं कहूंगा रेडमी K20 से अगर कंपेयर करोगे तो यहां पे ये डाउनग्रेडेड है। अब इस वीडियो में मैं आपको एक के बाद एक क्वेश्चन करता रहूंगा, आप कमेंट्स में उसका आंसर देते रहेंगे और वीडियो आगे बढ़ता रहेगा। तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले ना होना, यहां पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा। अब यहां पे आपको जो साइड माउंटेड, यहां पे आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। खैर छोड़िए, ठीक है, साइड में अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले आप जानते हो कितना क्रिस्प होता है, कितना क्लियर होता है, कितना यहां पे पंची कलर्स आपको मिलता है, और ब्लैक लेवल बहुत ही डार्क मिलता है, तो यहां पे ऐसा आपको नहीं मिलेगा। और आपको रियलमी XT 730G में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, लगभग 6.44 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है रियलमी XT 730G कहीं ना कहीं आगे रहता है। और हाँ, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको रियलमी XT 730G में मिल जाएगा। अब मुझे आप कमेंट्स करके बताओ, आपको कोई परेशानी होगा अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले रेडमी K30 में अगर नहीं आता है तो? जो स्ट्रॉन्ग लीक्स और रूमर्स हैं वो तो यही इशारा कर रहा है रेडमी K30 में कोई भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं होगा। आपको क्या चाहिए, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर? ना, आपको कोई शिकायत नहीं है अगर साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और IPS डिस्प्ले मिलता है,
कमेंट जरूर कीजिएगा। रेडमी के 30 में आपको एक अच्छा चीज मिल जाएगा डिस्प्ले में, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले। कहीं ना कहीं ये जो रियलमी एक्सटी 730G है उससे बेहतर होगा, तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो यहां पे साउमी का गलती ये है कि यहां पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं होगा और यहां पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको नहीं मिलेगा, पर यहां पे आपको 3.5mm जैक मिलेगा। और पिछले बार रेडमी के 20 में जो आपको माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट नहीं मिला था, इस बार आपको मिल जाएगा। हाँ, ये जो डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड वो तो नहीं होगा, पर एक सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड आप उपयोग कर सकते हो, यानी हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ। पर वही रियलमी एक्सटी 730G में आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड दिया जाएगा, दो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड का आप उपयोग कर सकते हो। चलिए अब यहां पे बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर बात करूं तो यहां पे दोनों ही सेम है। हाँ, रेडमी के 30 थोड़ा सा बहुत ही अच्छा लग रहा है कंपेयर टू रियलमी एक्सटी 730G, क्योंकि जो रियलमी एक्सटी और एक्सटी 730G है इसमें आपको कोई भी चेंजेस तो नहीं मिलेगा, पर रेडमी के 20 और रेडमी के 30 में आपको बहुत हद तक अंतर मिल जाएगा देखने में। कुछ आप कह सकते हो वन प्लस 7T की तरह आपको पीछे में राउंड शेप मिल रहा है, और वही वहां पे क्वाड कैमरास भी आपको मिल जाएगा। रियलमी एक्सटी 730G में भी आपको क्वाड कैमरास मिल जाएगा, और दोनों में ही आपको ग्लास डिजाइन के साथ ग्लास का उपयोग किया गया है, तो यहां पे थोड़ा सा डिजाइन के मामले में मुझे अच्छा लगा जो रेडमी के 30 वो वाला। अब आप कमेंट्स कीजिए आपको क्या लगता है। चलिए बात अब आता है यहां पे प्रोसेसर के मामले में। देखिए जो रेडमी के 30 है जो चाइना वाला वेरिएंट 5G के साथ, वो तो तय है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 के साथ आएगा, पर जो इंडिया में आएगा 4G वाला वेरिएंट, इसमें यूज किया जाएगा स्ट्रॉन्ग लिंक से ही है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G, जो सेम प्रोसेसर आपको मिल रहा है रियलमी एक्सटी 730G में। तो यहां पे 11 नैनोमीटर फिनफेट टेक्नोलॉजी पे ये दोनों ही जो फोन है इसका प्रोसेसर आधारित है, तो यहां पे कोई शिकायत नहीं है, दोनों फोन का प्रोसेसर सेम टू सेम है, परफॉर्मेंस भी आपको सेम टू सेम मिलेगा। तो यहां पे और एक बात मैं कहना चाहता हूं, यहां पे कैमरास, अब ये देखिए जो कैमरा है तो इसमें आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा रेडमी के 30। अब आप कहोगे दोनों फोन का कैमरा तो सेम है 64 मेगापिक्सल, पर यहां पे सेंसर में ध्यान दिया गया है रेडमी के 30 में। रेडमी के 30 में जो प्राइमरी 64 मेगापिक्सल रहेगा वहां पे यूज किया जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम सोनी IMX686 सेंसर। अब इसका परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा है, अब जब आएगा तब जरूर आपके साथ मैं यहां पे शो करूंगा और कंपेयर भी करके दिखाऊंगा। पर रियलमी एक्सटी 730G में जो रियलमी एक्सटी में मिला था 64 मेगापिक्सल वही मिल जाएगा, और यहां पे आपको सैमसंग GW1 ये सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं सोनी IMX का जो सेंसर होता है वो सैमसंग का जो GW1 सेंसर होता है उससे तो बढ़िया ही मिलेगा। पर एक बात आपको कह दे, जो रियलमी एक्सटी 730G है इसमें आपको बोके इफेक्ट वीडियो मिल जाएगा, यानी आप जो Realme X2 Pro में आया था आप वीडियो रियर एंड फ्रंट कैमरा से बोके में वीडियो कर सकते हो एज लाइक एज DSLR। सो इसमें भी आपको मिल जाएगा वही बोके वीडियो इफेक्ट, पर Redmi के 30 में मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में कोई भी अब इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कैमरा के मामले में मुझे लगता है थोड़ा सा आगे है कौन, Redmi के 30। Realme X2 730G में आपको सामने में 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, वही आपको रेडमी के 30 में मिल जाएगा 20 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, और एक कैमरा मिलेगा शायद ये डेप्थ सेंसर हो सकता है 2 मेगापिक्सल का, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। पर आप देख रहे हो यहां पे जो रेडमी के 20 में एक फुल व्यू डिस्प्ले का जो आप मजा ले सकते थे, इंजॉय कर सकते थे, कंटेंट को एंटरटेनमेंट कर सकते थे, यहां पे आप नहीं कर सकते हो क्योंकि यहां पे नॉच थोड़ा सा आपको बड़ा मिल रहा है। आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा आपको फुल व्यू डिस्प्ले अच्छा लगता है या यहां पे थोड़ा सा नॉच आपको अच्छा लगता है। चलिए बात करते हैं हम बैटरी की, तो यहां पे आगे है रेडमी के 30, क्योंकि यहां पे आपको 4500mAh का बैटरी मिलता है, 30W का एक फास्ट चार्जर मिलता है बॉक्स में, और रियलमी एक्सटी 730G में आपको 4000mAh बैटरी मिल जाएगा, वो भी वूक चार्जर के साथ जो बॉक्स में है 30W का। तो अब यहां पे जो कलर ओएस वो आपको मिल जाएगा रियलमी एक्सटी 730G में, और यहां पे आपको MIUI 11 मिल जाएगा रेडमी के 30 में। कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर देना।